हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग 07। तो क्या हिस्ट्री आपको भी एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, या फिर एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट दे रखा है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स लगता है, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं पर आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, इस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है, और आपको ये नोट्स अगर चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो अगला जो चैप्टर है नेशनलिज्म इंडिया वो भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर नेशनलिज्म किस तरह से इमर्ज हुआ, किस तरह से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल ब्रीफ में मैंने यहाँ पर इस चैप्टर को समझाया है और एक थीम तैयार करने की कोशिश करी है जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएं। और ब्रीफ में का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज है, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तीन चीजें हैं, नेशनलिज्म, एब्सोल्यूटिस्ट और नेशन स्टेट। ये तीनों चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ये तीनों चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप पूरे के पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहेंगे। तो फटाफट से समझते हैं नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म इज अ सेंस, या फिर कह सकते हैं आइडियोलॉजी ऑफ कॉमन आइडेंटिटी विद द नेशन, यानी कि ऐसा सेंस, ऐसी आइडियोलॉजी जो कि एक नेशन में रहने वाले लोग जिनका की कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन कल्चर वो लोग फॉलो करते हैं, कॉमन लैंग्वेज है उनकी, कॉमन ट्रेडिशन है, कॉमन ट्रेडिशन वो लोग फॉलो करते हैं, ये लोग बाकियों से इंडिपेंडेंट होकर के एक नेशन बनाए, यानी कि नेशन की पहचान, किसी देश की पहचान वहां के रहने वाले लोगों से हो, और वो लोगों में क्या हो, बहुत सारी चीजें कॉमन हो। तो इसी ऐसी आइडियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट में काफी चीजें कॉमन होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एजेस में काफी सिमिलरिटी होगी, एज आप लोगों की काफी सिमिलर होंगी, या फिर आपकी इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी के सभी 9th क्लास तो पास होकर के आई हैं, यानी कि 9th क्लास तक की एजुकेशन सभी ने गेन कर ली है। अब आप इमेजिन करिए कि आपको 12th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास के बच्चों के साथ पढ़ाया जाए तो कैसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपके अंदर कुछ चीजें कॉमन थी इसीलिए आपको 10th क्लास में अलग से पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर जिन लोगों के बीच में, जिन सिटीजन के बीच में काफी चीजें कॉमन है, उनका एक अलग नेशन बनाना, ऐसी आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है। तो गवर्नमेंट दैट हैज नो रेस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज, या फिर कई जगह आपको वर्ड देखने को मिलेगा मोनार्कियल गवर्नमेंट, या फिर पूरे चैप्टर में वर्ड आता है बार बार मोनार्की। तो ये तीनों वर्ड का मतलब क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके पावर पे कोई रेस्ट्रेन ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई रोक टोक ना हो, उसके मन में जो आए वो वही कर ले, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट या फिर मोनार्कियल गवर्नमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रूलर या एक राजा राज कर रहा है, कोई डिक्टेटर राज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको सिटीजन्स के फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं, वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो सिटीजन्स के लिए आंसरेबल है ही नहीं, वो चाहे अच्छा करे चाहे खराब करे वो उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता, किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको रोक सके। अब समझते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कि केवल वहां के रूलर से, किसी देश के केवल रूलर से उस देश की पहचान ना हो, वहां पे रहने वाले जो सिटीजन्स हैं जिनकी क्या कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन कल्चर वो लोग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन है, कॉमन लैंग्वेज वो लोग है बोलते हैं, और या फिर उनकी हिस्ट्री जो है काफी कॉमन है, तो ऐसे लोगों से अगर नेशन की पहचान हो रही है किसी देश की, तो वही क्या होता है, नेशन स्टेट होता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसा नेशन जहां पर नेशनलिज्म आ चुका है उसी को ही हम क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेंटिंग जो है फ्रेडरिक सोर्यू ने बनाई है, फ्रेंच आर्टिस्ट है ये। इस पेंटिंग ये पेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप समझ लेंगे तो पूरे चैप्टर का माइंड मैप तैयार हो जाएगा, और इस पेंटिंग में जो जो इश्यूज उठाए गए हैं पूरे चैप्टर में वही चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो इस पेंटिंग को देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट इस पेंटिंग के बारे में समझाऊंगा। एक बार बस देख लीजिए आप इस पिक्चर को। ये देखेंगे आप, एक ही लेडी है और इनके हाथ में क्या है, मशाल जल रही है, और इस हाथ में देखेंगे आप तो क्या है, चार्ट है, पेपर्स है कुछ, है ना। यहां पर देखेंगे आप तो कितने सारे लोग, हर एज के लोग, हर जेंडर के लोग, अलग अलग अपनी कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हैं इन लोगों ने,
अलग अलग फ्लैग ले रखे हैं, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टैचू की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ट्राई कलर पे भी ध्यान दें आप, ट्राई कलर जो है पहुंच चुका है, पहुंचा ये जस्ट अभी अभी इस लेडी के पास। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो नीचे क्या है, मुकुट गिरे हुए हैं या फिर टूटे फूटे राजा महाराजाओं के टाइम की चीजें गिरी हुई हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या ध्यान दें आप कि ये ऊपर देखें आप, ये जीसस क्रिस्ट हैं, ये अलग अलग एंजल्स सेंट्स देवी देवता है, समझ लीजिए आप, ये देवी देवता लोग क्या हैं, ऊपर से ये सब चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, अब पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या फ्रेडरिक सोरी ने उस पेंटिंग में दिखाया है। तो फ्रेडरिक सोरी कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने ये पेंटिंग 1848 में बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अपनी पेंटिंग में, ही विजुअलाइज हिज उटोपियन विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। उटोपियन विजन क्या होता है, तो ऐसा विजन, ऐसी कल्पना जो कि काफी आइडियल है, जिसके बारे में कल्पना ही कर सकते हैं, वो रियल में पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही विजन को हम क्या बोलते हैं, उटोपियन विजन बोलते हैं। आज एक एग्जाम्पल समझते हैं कि आज के टाइम में क्या है, अगर हम इमेजिन करें, अगर मैं कहूं आपसे कि हमारा देश है बिल्कुल करप्शन फ्री हो जाए, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो हो जाए, तो ये क्या है, एक कल्पना की बात है जो कि बहुत आइडियल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं लगता है हमको। तो ऐसी ही चीजों को हम क्या बोलेंगे, उटोपियन विजन। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे डेमोक्रेसी के बारे में सोचना, सिटीजन्स की राइट्स के बारे में सोचना, ये सब सोचना एक उटोपियन विजन लगता था, जिसको कि फ्रेडरिक सोरी ने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। पीपल्स आर मार्चिंग एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टैचू की तरफ बढ़ रहे थे, वो स्टैचू क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी। तो उस स्टैचू की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो लिबर्टी आजादी को फ्रेडरिक सोरी ने एक पर्सन के रूप में दिखाया है, और पर्सन में भी क्या, एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, शी बियर्स टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। उस लेडी के आपने एक हाथ में देखा होगा कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक मशाल थी जो कि क्या थी, जल रही थी, एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक हाथ में आपने कुछ पेपर्स देखे थे, वो पेपर्स असल में क्या थे, चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी आदमियों के अधिकार उस पेपर के अंदर लिखे हुए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आदमियों के, वुमेन्स की बात तो बहुत बाद में आएगी, उस टाइम पे मेन्स कोई प्रॉपर अधिकार नहीं थे। ठीक है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन लाई इन द फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड मतलब आगे जमीन पे, आपने देखा था ना कि मुकुट वगैरह गिरे हुए थे, तो वो सब क्या दिखा रहे हैं कि जो एब्सोल्यूटिस्ट, अब एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके पावर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, राजा महाराजाओं के टाइम का है ना, मोनार्की। तो वो सब चीजें क्या है, टूटी फूटी दिखाई गई, इसका मतलब क्या है, वो चीजें खत्म हो गई हैं, वो चीजें अब बची नहीं है। तो ये चीजें फ्रेडरिक सोरी अपनी पेंटिंग में दिखा रहे हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। जो वहां के पब्लिक है, वहां के लोग हैं, उनके हाथों में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स हैं, उन्होंने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बाय दिस टाइम। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड दो ऐसे देश हैं जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे उस टाइम पे। ठीक है, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय ट्राई कलर है जस्ट रीच द स्टैचू। मैंने बताया था ट्राई कलर को देखें आप, तो ये ट्राई कलर क्या है, फ्रांस का झंडा है, जो कि फ्रांस है जस्ट अभी अभी नेशन स्टेट बना है, वो स्टैचू के पास पहुंचा है अभी अभी, इसका मतलब क्या है कि वो जस्ट अभी नेशन स्टेट बना है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के पीछे कौन है, जर्मनी है, यानी कि जर्मनी अभी नेशन स्टेट बनने जा रहा है। ऐसे ही कई कंट्रीज एक के पीछे एक हैं, उनके नाम आप बुक में से देख लें अगर मानो तो। क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन फ्रॉम द हेवन, दे हैव बीन यूज्ड टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जीसस क्रिस्ट देखे थे आपने, सेंट्स एंजल्स, ये सभी लोग क्या है, देवी देवता लोग ऊपर से स्वर्ग से ये सब चीजें देख रहे थे। ठीक है, तो ये देवी देवता कोई चीज देख रहे हैं, यानी कोई अच्छा काम हो रहा है। तो फ्रेडरिक सोरी ने ये सब चीजें क्यों यूज करी हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि सभी नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, ये चीज को फ्रेडरिक सोरी अपने पेंटिंग में दिखाना चाहते हैं। नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। यानी कि नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत बन के उभरा यूरोप के अंदर, जिसने यूरोप के अंदर पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस लाए। यानी कि पॉलिटिकल का मतलब कहता है रूलिंग से रिलेटेड है ना, और मेंटल मतलब लोगों की सोच बदल दी नेशनलिज्म ने पूरे के पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, और जो भी हम इतनी लड़ाई कर रहे हैं नेशन स्टेट के लिए, इतने टेंशन हुए हैं, इतनी वॉर्स हुई है, ये जितना भी कुछ स्ट्रगल हमने नेशन स्टेट बनाने के लिए किया है, आखिर में उसका नतीजा क्या निकलता है, उसके बारे में जानते हैं। तो एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वॉज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप।
तो जितने भी ये वॉर्स, लड़ाई, टेंशन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो नेशन स्टेट बनाने के लिए हुई है। उसका फायदा क्या निकला कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, यानी कि बहुत सारे नेशंस पे राज करने वाले जो एम्पायर्स थे, उनको हटा करके सिटीजन्स को उनकी पहचान मिली, और देश की, किसी नेशन की पहचान उनके सिटीजन्स के द्वारा होने लगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।